नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉ इजी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन हाउ टू गेट दी गन लाइसेंस। यानी गन लाइसेंस का मतलब है बंदूक का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अथवा रिवॉल्वर का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कानूनी क्या प्रक्रिया है और इसके ऊपर कौन सा कानून लागू होता है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, इस लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले हम बात करेंगे हथियार की, यानी आर्म्स की। ये हथियार होते क्या है? हथियार जो है ये अटैक के लिए और डिफेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी आत्मरक्षा के लिए, यानी खुद व्यक्ति अपनी रक्षा करना चाहता है तो उसके लिए भी एक औजार है, एक टूल है। और उसी प्रकार यदि वो किसी व्यक्ति पर हमला करना चाहता है, आक्रमण करना चाहता है, किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में हथियार उसकी शक्ति को बढ़ा देते हैं। तो हथियार मानव सभ्यता के विकास के साथ धीरे धीरे हथियार बढ़े हैं। आप सभी को पता है पहले हथियारों का इस्तेमाल शिकार के लिए होता था। हथियारों का इस्तेमाल शिकार के अलावा जो लॉ को इन्फोर्समेंट करने वाली जो गतिविधियां हैं, जैसे पुलिस है, पुलिस हथियार रखती है, जैसे वॉर युद्ध होते थे तो हथियार होते हैं, सेना के पास हथियार होते हैं। तो ये जो हथियार होते हैं ये शक्ति को बढ़ा देते हैं। यानी जो आक्रमण है या डिफेंस है उन दोनों के लिए हथियार का इस्तेमाल होता है। और प्रारंभ के जो हथियार थे वो हथियार जो थे वो लकड़ी और पत्थरों से मिलकर बने हुए थे। लकड़ी पत्थरों के बाद जैसे जैसे सिविलाइजेशन का विकास हुआ, सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे हथियारों की में भी परिवर्तन आने लगे। धीरे धीरे तलवार, धीरे धीरे भाला, ऐसे अलग हथियार होने लगे। और धीरे धीरे फायर आर्म्स की बात होने लगी। फायर आर्म्स मतलब गोला बारूद का जिसमें इस्तेमाल होता है, बुलेट का इस्तेमाल होता है, जिसमें अग्नि का इस्तेमाल होता है, जिसे हम फायर आर्म्स के रूप में हम ये कहते हैं, पिस्टल, रिवॉल्वर, गन, इन तोप वगैरह। तो ये जो फायर आर्म्स होते हैं, ये फायर आर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये फायर आर्म्स रखने के लिए कौन सा कानून लागू होता है और इनके लिए क्या आवेदन की क्या प्रक्रिया होती है और ये कब आपको जारी होगा, कब जारी नहीं होगा, इसके बारे में आज का ये वीडियो लेक्चर है। आइए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू गेन गन लाइसेंस इन इंडिया, यानी भारत में बंदूक का लाइसेंस किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है अथवा रिवॉल्वर का लाइसेंस किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आर्म्स आर यूज फॉर अटैक और डिफेंस। जैसा कि हम जानते हैं आर्म्स यानी हथियारों का जो इस्तेमाल होता है वो अटैक के लिए होता है, किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए, या खुद के डिफेंस के लिए, यानी खुद की आत्मरक्षा के लिए भी हथियार जरूरी होते हैं। और ये हथियारों की नीड जो होती है, ये प्रत्येक अनेक लोगों को इसकी हथियारों की नीड होती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति हथियार को न तो उत्पादन कर सकता है, ना ही वितरण कर सकता है, ना ही सेल कर सकता है, ना इम्पोर्ट कर सकता है, ना एक्सपोर्ट कर सकता है, ना कैरी कर सकता है, मतलब ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकता है बिना लाइसेंस के। यानी गवर्नमेंट हथियारों के मामले में बेहद संवेदनशील है। और यदि हम भारत सरकार की बात करें तो भारत में हमारे यहाँ पर इसके ऊपर एक्ट लगता था जो ब्रिटिश इंडिया का एक्ट था, इंडियन आर्म्स एक्ट 1876। यानी हथियारों को रेगुलेट करने के लिए हमारे देश का जो कानून था, जो अंग्रेजों के समय का बनाया था 1878 में, इंडियन आर्म्स एक्ट, जिसको आजाद भारत में हम लोगों ने परिवर्तित किया। और आजाद भारत के 12 साल बाद हमारे देश में कानून बना, द आर्म्स एक्ट 1959, आयुध अधिनियम 1959। तो वर्तमान में हथियारों का यदि लाइसेंस लेना हो या व्यापार करना हो या हथियार का उत्पादन करना हो, विक्रय करना हो, ट्रांसपोर्ट करना हो, कैरी करना हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना हो, तो इन सब चीजों के लिए आपको आर्म्स एक्ट 1959 के कानूनी उपबंधों का सामना करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर टू गेट लाइसेंस। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, किस प्रकार गन का लाइसेंस प्राप्त करें। तो सबसे पहले तो इस अधिनियम में लाइसेंसिंग अथॉरिटी का गठन किया गया है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी के सामने एक आवेदन देना पड़ेगा कि आप हथियार लेना चाहते हो, उसका आपको लाइसेंस चाहिए, उसका एक प्रकार का आवेदन देना पड़ता है। तो ये आवेदन पहली बार तो बाहरी व्यक्ति को नहीं मिलेगा। ये आवेदन करने के लिए यू मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत के नागरिक होंगे, उसी को लाइसेंस, गन का लाइसेंस मिलेगा। तो सिटीजन हैज टू गिव एप्लीकेशन, यानी आपको अप्लाई करना पड़ेगा बिफोर लाइसेंसिंग अथॉरिटी। इन लाइसेंसिंग अथॉरिटी के सामने अप्लाई करना पड़ेगा। नॉर्मली लाइसेंसिंग अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है या कमिश्नर ऑफ पुलिस हो सकता है। और आपको जो जिस चीज के लिए आपने अप्लाई किया वो नॉन प्रोविडेड आर्म्स होना चाहिए। आप सभी को पता होना चाहिए कि आर्म्स दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रतिच्छिद्ध, यानी प्रतिबंधित आर्म्स, यानी AK-47 या जो ऐसे खतरनाक आयुध हैं जिनके ऊपर तो पूरी तरीके से बैन लगा हुआ है, यानी उनको तो लाइसेंस से भी आपको नहीं मिलेंगे। तो प्रोहिबिटेड आर्म्स को छोड़ के नॉन प्रोहिबिटेड आर्म्स जो है, नॉन प्रोहिबिटेड आर्म्स मतलब जो कम नुकसान करने वाले जो बंदूक, गन, रिवॉल्वर है, उनके लाइसेंस मिलेंगे। तो नॉन प्रोहिबिटेड, सबसे पहले तो आपने जिस गन के लिए आवेदन किया वो नॉन प्रोहिबिटेड आर्म्स में आनी चाहिए। नॉन प्रोहिबिटेड आर्म्स यदि है तो इस स्थिति में आपको यह भी बताना पड़ेगा मेजर थ्रेट, कि आपको क्या थ्रेट है, क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से आप आर्म्स लेना चाहते हो, आपको वजह भी लिखनी पड़ती है, यानी कारण लिखना पड़ता है। उसके बाद SP जो है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो जिले के हैं, वो आपकी रिपोर्ट कॉल करेंगे।
रिपोर्ट कॉल करेंगे, जिस व्यक्ति ने आवेदन दिया है उसकी रिपोर्ट, एक तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड यानी क्या उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये व्यक्ति आपराधिक पृष्ठभूमि का है, पहले भी कई बार अपराध कर चुका है, तो जिस व्यक्ति के आपराधिक पृष्ठभूमि होती है अर्थात जिसके क्रिमिनल रिकॉर्ड होते हैं, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स होते हैं, उनको आर्म्स के लाइसेंस नहीं मिलते हैं। तो एक तो क्रिमिनल रिकॉर्ड, और फिर आपने जो एड्रेस दिया उस एड्रेस को भी वेरीफाई किया जाता है कि जो एड्रेस आपके द्वारा दिया गया है यानी जो अपना पता बताया गया वो पता सच में है कि नहीं। इसके उपरांत नेचर भी देखा जाता है, जिस व्यक्ति ने आवेदन किया उसका नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द पर्सन ऑफ एप्लीकेंट, यानी जिस व्यक्ति ने हथियार के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है उस व्यक्ति की प्रकृति क्या है, उसके सराउंडिंग्स यानी उसके आसपास के रहने वाले लोग, उसके नेबर्स, उसके पड़ोसियों से उसके बारे में जानकारी ली जाती है, जानकारी एकत्रित की जाती है कि इस व्यक्ति किस प्रकृति का व्यक्ति है, कहां कहीं ऐसा तो नहीं इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, गुस्से में कोई व्यक्ति आपको पता है गुस्से में नियंत्रण नहीं होता और व्यक्ति उस आम से क्या कर सकता है, अपराध कर सकता है, दुर्घटनाएं कर सकता है, उसका मेंटल और फिजिकल लेवल क्या है, इन सब बातों को देखने के बाद ही व्यक्ति को आर्म्स यानी आर्म्स का लाइसेंस दिया जाता है, इसकी रिपोर्ट कॉल की जाती है, और साथ ही साथ ये नीड देखी जाती है कि आपको आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाई यू रिक्वायर आर्म्स यानी आपको हथियार की जरूरत क्यों है, नीड भी पूछी जाती है, तो आप नीड में आप रीजन बता सकते हो कि मेरे शत्रु हैं, देर आर सो मेनी एनिमीज, मेरे बहुत सारे शत्रु हैं, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, सेल्फ डिफेंस के लिए लेना चाहता हूँ, या मेरे घर के आसपास वाइल्ड एनिमल्स है, जंगली जानवर है, उनके लिए लेना चाहता हूँ, आपका वैलिड रीजन होना चाहिए, वैलिड रीजन होने पर ही आपको गन का लाइसेंस अथवा अन्य हथियारों का लाइसेंस मिल पाएगा, तो देर शुड बी वैलिड रीजन देन ओनली द लाइसेंस विल बी गिवन। अब लाइसेंस मिल जाता है तो डीलर के पास, जब आपको लाइसेंस मिल जाता है तो जो हथियार के विक्रेता हैं, जो डीलर हैं, लाइसेंस शॉप, इसको बेचने वाले भी लाइसेंस शॉप वाले होते हैं, बिना लाइसेंस के कोई शॉप नहीं खोल सकता है, तो जो बंदूक या गन का जो लाइसेंस जिनके पास है, शॉप होल्डर है, वो आपका लाइसेंस वेरीफाई करेंगे, उसका डेट देखेंगे, उसकी प्लेस देखेंगे, ये सब देखने के बाद एनओसी देखेंगे, एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स इसमें लगते हैं, यदि होल इंडिया का है, यदि लाइसेंस पूरे भारत के लिए जारी हुआ है तो एनओसी की जरूरत नहीं रहेगी, इन सब बातों को डीलर देखेगा, उसके बाद आपको वो वाली गन या रिवॉल्वर जिसके लिए आपने आवेदन किया है वो आपको मिलेगा। अब रिन्यूअल की यदि हम बात करें तो रिन्यूअल जो होता है प्रत्येक 5 साल में रिन्यूअल होता है, यानी लाइसेंस कितने समय में रिन्यू होता है, आफ्टर 5 ईयर, ईच 5 ईयर 5 साल तक वो लाइसेंस जारी होता है, 5 साल बाद उसका रिन्यूअल फीस देकर रिन्यूअल किया जाता है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, इट इज द प्रोसीजर हाउ टू गेट गन लाइसेंस, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी।